हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो के मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं टॉप 12 विलास कम्युनिटी। तो एक ये भी क्वेश्चन आया था कि सर, कुछ लोगों का मेल आया था और कॉल आया था कि विलास कौन से बेस्ट हैं गुड़गांव के अंदर, तो प्लीज उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दीजिए। तो मेरे को लगा ठीक है, उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देता हूँ कि कौन से विलास बेस्ट हैं पूरे गुड़गांव के अंदर। अगर आप कंफ्यूज हो विलास लेने के अंदर, तो आप ये जो वीडियो है वो आपकी हेल्प करेगा सही विला को सेलेक्ट करने के अंदर। प्लस इन केस अगर आप विला लेना चाहते हो तो आप इन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सो दैट हमारी टीम आपको हेल्प करेगी, असिस्ट करेगी एक सही विला सेलेक्ट करने के अंदर। और इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 12 इम्पॉर्टेंट विलास की कम्युनिटी जो है, सोसाइटीज़ हो गई, वो शेयर करूँगा। और 10th इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखना, क्योंकि जो 10th जो कम्युनिटी है, 10th जो विलास की कम्युनिटी है, वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट है। और वो क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, सो दैट आपको इस टाइप के वीडियोज के फ्यूचर में नोटिफिकेशन आते रहें। और हमारे चैनल पे अगर आप जाके चेक करोगे तो बहुत सारे वीडियोज मैंने डाले हुए हैं यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए। सो मेक श्योर आप सारे वीडियोस देखिए, क्योंकि अगर एक भी वीडियो आपने मिस कर दिया तो समझ लीजिए कि लाखों करोड़ों रुपए का लॉस कर दिया आपने। ये वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं मैं आपके लिए, सो दैट आप एक सही डिसीजन ले सके अपनी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और क्योंकि जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो अपना लाखों करोड़ों रुपए पूरी जिंदगी की कमाई एक प्रॉपर्टी में लगाते हैं, किसी के ऊपर विश्वास करके, ट्रस्ट करके। और अगर वो इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं किसी की गलत हो जाती है तो उसको अगले 10, 15, 20 साल तक ना पछतावा रहता है कि यार मैंने डिसीजन गलत ले लिया। तो ऐसे लोगों की मैं हेल्प करना चाहता हूं यहां पे इन वीडियोस के थ्रू, सो दैट वो एक सही डायरेक्शन में डिसीजन ले सकें, अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकें, किसी गलत जगह गलत बिल्डर के साथ गलत प्रॉपर्टी में वो ना फंसें और उनकी एक हेल्प हो सके। सो दैट इज माई जेन्युइन इंटेंशन ऑफ मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोस टू हेल्प पीपल। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। बट उससे पहले मैं बता देता हूँ कि किन लोगों को विलास की जरूरत होती है, हु नीड विलास। तो किन को पसंद है, और जो भी लोग हैं हमारे कम्युनिटी के अंदर जो लोग विलास ऑलरेडी ले रहे हैं, तो उन वो क्यों ले रहे हैं विलास। सो लेट मी टेल यू व्हाई दे आर टेकिंग विलास, एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि 12 कम्युनिटीज कौन कौन सी हैं। सो हु नीड विलास, People who have capacity to invest in villas. तो जिनके पास 5 से 25 करोड़ का बजट है या इवन ज्यादा है, वही विलास के बारे में सोच सकते हैं। अगर 5 करोड़ में आपको बहुत कंजर्वेटिव अमाउंट बताऊं, 6-6.5 करोड़ से नीचे विला मिलना बहुत मुश्किल है पूरे गुड़गांव के अंदर, ठीक है। 6-6.5 करोड़ से नीचे विलास नहीं मिलता, बट 5 से 25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी जिसके पास है वही विलास के बारे में सोचता है। सेकेंड, हु नीड हैव एन इंडिपेंडेंट हाउस विद लैंड राइट्स। तो जिसको लैंड राइट्स के साथ, जिसको जड़ के साथ अपना एक मकान चाहिए, वो विलास देखता है। जिसको जो लोग अपार्टमेंट में रह के या तो परेशान हो चुके हैं, या जिनको कंफर्ट नहीं है कि यार यहां ना तो जमीन है अपनी, ना आसमान है अपना, हवा में लटका दिया है, तो उन लोगों का जो माइंड सेट होता है दे प्रेफर विलास। नेक्स्ट, पीपल हु हैव हैबिट टू लिव इन वेस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली विदाउट एनी डिपेंडेंस ऑन अदर्स। तो जो लोग वेस्ट दिल्ली में रहते हैं, या फिर इवन नॉर्थ दिल्ली में, या फिर इवन साउथ दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में जिनके पास अपनी खुद की कोठी है, विलाज है, तो वो लोग विला लेना पसंद करते हैं यहाँ पे गुड़गांव के अंदर। सो दैट जो उनकी एक तरीके की हैबिट बन चुकी है, आदत बन चुकी है, क्या मेरे को किसी की भसड़ नहीं पालनी, मेरे को अपनी पार्किंग की भसड़ नहीं पालनी किसी की, मेरे को इंडिपेंडेंट पार्किंग चाहिए, मेरे को इंडिपेंडेंट विला चाहिए, जड़ के साथ चीज चाहिए, जमीन और आसमान ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को हवा में लटकाती जा। नेक्स्ट, पीपल हु वांट लाइफस्टाइल ऑफ कम्युनिटी लिविंग फैसिलिटीज एंड एमिनिटीज।
तो जो लोग आपकी कम्युनिटीज चाहते हैं विलास की, जहां पे फैसिलिटीज और एमिनिटीज, तो वो चाहते हैं अपार्टमेंट्स वाली, कि क्लब हाउस होना चाहिए, बढ़िया पार्क होना चाहिए, जिम होना चाहिए, बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया होना चाहिए, सारे गेम्स चाहिए, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो विलास पसंद करते हैं। और जो लोग CXO लेवल होते हैं, जो CEO, CFO, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, या फिर बिजनेस ओनर MD लेवल के जो लोग होते हैं, जिनके पास अच्छा खासा पैकेज होता है 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ का साल का, जिनके पास कैपेसिटी होती है कि अगर वो लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो वो इजीली अप्रूव हो जाएगा 2, 3, 5 करोड़ का, 7 करोड़ का, ऑलराइट, तो उस लेवल के जो लोग हैं वो विलास को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कम्युनिटी बताता हूँ, और कम्युनिटी मैं आपको पूरे गुड़गांव के अंदर अलग अलग लेवल पे बताऊंगा, सो दैट आपको क्लैरिटी मिले कि जो लोकेशन है वो किस लोकेशन के अंदर वो विलास हैं। तो उसको मैंने अलग अलग कलर से हाईलाइट भी करा हुआ है। तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट कम्युनिटी ऑफ विलास, दैट इज पाम स्प्रिंग विलास। तो ये गुड़गांव की जो सबसे प्रीमियम लोकेशन है वो है गोल्फ कोर्स रोड, वहां पे ये पाम स्प्रिंग विलास हैं, सेक्टर 54 के अंदर, 9 एकड़ के अंदर 80 यूनिट्स हैं यहाँ पे, 5 BHK लगभग 5000 स्क्वायर फीट की चीज है, 400 गज के आसपास के अंदर ये विलास बनाए हुए हैं। तो ये पाम स्प्रिंग विलास हैं आपके गोल्फ कोर्स रोड पे। सेकंड विलास की कम्युनिटी है, मैं प्राइस नहीं बता रहा हूं, प्राइस जानना है तो आप नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सेकेंड है MR मारबेला गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे है, सेक्टर 66 के अंदर, 110 एकड़ की टाउनशिप है, 4 और 5 BHK विलास हैं यहाँ पे, 5600 स्क्वायर फीट से लेकर और 8120 स्क्वायर फीट तक के 236 यूनिट्स है एट प्रेजेंट। ये गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे जो सेकंड मोस्ट प्रीमियम लोकेशन है गुड़गांव की। थर्ड, अगेन यहाँ पे कलर चेंज हो गया, इसका मतलब लोकेशन चेंज हो गई, तो ये आ गया आपका द्वारका एक्सप्रेसवे। जो दिल्ली के नजदीक विला लेना चाहते हैं उसके लिए हो सकता है ऑप्शन डिप्लोमेटिक ग्रीन्स के अंदर, सेक्टर 111 द्वारका एक्सप्रेसवे पे है। टोटल लैंड एरिया 20 एकड़ का है इंक्लूडिंग टाउनशिप, तो यहाँ पे हाई राइज अपार्टमेंट्स भी हैं और कुछ 10 विलास बनाए हुए हैं आप पूरी कंस्ट्रक्शन में। तो ऊपर जो मैंने आपको बताया था ना MR मारबेला, उसकी कंस्ट्रक्शन भी पूरी नहीं करी थी, तो यहाँ पे 10 विलास हैं यहाँ पे 5 BHK 8000 से 8700 स्क्वायर फीट के, सेक्टर 111 के अंदर द्वारका एक्सप्रेसवे पे, बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे है। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है आपका जो विलास की कम्युनिटी है वो है शोभा इंटरनेशनल सिटी, ये सेक्टर 109 द्वारका एक्सप्रेसवे पे आ जाता है, 150 एकड़ की टाउनशिप है, 70% ओपन एरिया है, और शोभा इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनीज है। और द्वारका एक्सप्रेसवे पे अगर सबसे पहले आई थिंक जो विलास लेके आए थे 10 साल पहले तो शोभा लेके आया था यहाँ पे, और यहाँ पे आपको 3 BHK 3000 स्क्वायर फीट के आसपास, 4 BHK 4000 से 7300 स्क्वायर फीट, और 5 BHK 4500 से 7200 स्क्वायर फीट के आसपास की यूनिट मिल जाएंगी। 270 गज से लेके 600 गज तक के विलास हैं, डुप्लेक्स विलास हैं यहाँ पे 3, 4, 5 BHK के, लगभग 396 यूनिट्स हैं यहाँ पे। तो ये हो गया शोभा इंटरनेशनल सिटी, सेक्टर 109। नेक्स्ट है फिफ्थ है BPTP एमस्टोरिया, ये आपका द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही आ जाता है, सेक्टर 102, 4, 5 और 6 BHK के विलास हैं यहाँ पे, और आपका 2250 स्क्वायर फीट से लेके 9000 स्क्वायर फीट तक के विलास हैं यहाँ पे, 50 यूनिट्स हैं, ये सेक्टर 102 द्वारका एक्सप्रेसवे पे आ जाता है, बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही एक और प्रोजेक्ट आ जाता है विलास का, वो है एक्सपीरियन का विंड चैंट, जो सेक्टर 112 के अंदर है, 23 एकड़ की टाउनशिप है, यहाँ पे हाई राइज अपार्टमेंट्स भी हैं और 500 फैमिलीज के लिए कम्युनिटी बिल्ड करी हुई है 23 एकड़ के अंदर, 4 BHK विलास और 5 BHK विलास हैं, 4 BHK विलास लगभग 6350 स्क्वायर फीट है का एरिया है, और 5 BHK लगभग 7400 स्क्वायर फीट के आसपास एरिया है। तो जो चारों प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताए, ये चारों प्रोजेक्ट्स आपके द्वारका एक्सप्रेसवे पे आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर चलते हैं, प्रोजेक्ट नंबर 7,
विलास कम्युनिटी ट्यूलिप आइवरी। अगेन कलर चेंज हो गया तो इसका मतलब है लोकेशन चेंज हो गई है। तो ये सेक्टर 70 के अंदर आ जाता है, SPR साउदर्न पेरीफेरी रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सोना रोड के पास में पड़ जाता है सेक्टर 70। वहाँ पे 48 यूनिट्स हैं, 6 BHK विलाज हैं, लगभग 5000 स्क्वायर फीट का एरिया है। इसके अंदर भी हमारे पास एक दो यूनिट्स अवेलेबल हैं, उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमारे दिए नंबर पे। नेक्स्ट है 8 विपुल का तत्वम विला, ये भी सोना रोड पे है सेक्टर 49 के अंदर। यहाँ पे 3-4-5 BHK के विलाज मिल जाएंगे, 255 यूनिट्स हैं यहाँ पे, 3000 स्क्वायर फीट से लेके 7500 स्क्वायर फीट तक के विलाज हैं यहाँ पे। 50 एकड़ की टाउनशिप है मेन सोना रोड पे सेक्टर 49 के अंदर। तो 287 के अंदर 3 BHK का विला है 3000 स्क्वायर फीट, 4 BHK 358 स्क्वायर यार्ड 4000 स्क्वायर फीट, 502 स्क्वायर यार्ड के अंदर है 4 BHK 4750 स्क्वायर फीट, 750 स्क्वायर यार्ड का विला है 5 BHK 6150 स्क्वायर फीट, और लगभग 950 गज के अंदर आपका 5 BHK विला हुआ है जो लगभग 7500 स्क्वायर फीट के आसपास मिलता है। नेक्स्ट आपका सोना रोड पे ही आ जाता है आपका BPTP का विजनियर विलास। तो ये सेक्टर 70 के अंदर है ये जो प्रोजेक्ट है, और इसके अंदर आपको मिल जाते हैं सेक्टर 70A के अंदर ये SPR पे प्रोजेक्ट है नियर सोना रोड। 24 एकड़ के अंदर 125 यूनिट्स हैं, 4 BHK विलाज हैं 6000 स्क्वायर फीट के अंदर। नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ जाता है आपका सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली, जो मैंने आपको कहा था वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है और मेरा फेवरेट है। तो ये जो चारों प्रोजेक्ट्स हैं ये आपके सोना रोड पे आ जाते हैं। ये सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली है, सोना रोड पे ही आता है, बट ये सोना में आ जाता है। तो जो नया एक्सप्रेसवे बना है सोना की तरफ, सोना टोल क्रॉस करोगे तो ये लेफ्ट में पड़ेगा आपके सोना के अंदर। और फ्लेयर विलास हैं इसके अंदर 3 and 4 BHK विलास, 3000 से 4500 स्क्वायर फीट, 250, 300, 400 गज के अंदर ये विलास अवेलेबल है एट प्रेजेंट। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है विलास के अंदर वो है रहेजा एटलांटिस। ये आपका आ जाता है सेक्टर 31 NH8 के ऊपर, 4 and 5 BHK विलास हैं, 6800 स्क्वायर फीट से लेके लगभग 7100 स्क्वायर फीट। तो इसमें यूनिट्स अवेलेबल ना के बराबर एट प्रेजेंट। 12th विलास आ जाता है बेस्ट टेक के आनंदा विलास। तो ये आपका सेक्टर 81 न्यू गुड़गांव के अंदर आ जाता है, 5 BHK विलास जो 5400 स्क्वायर फीट से लेके 5800 स्क्वायर फीट तक के हैं, और यहाँ पे 13 ही यूनिट्स हैं, गेटेड कम्युनिटी है क्योंकि यहाँ पे हाई राइज अपार्टमेंट्स भी हैं। तो आई होप आपको मैंने कंप्लीट क्लैरिटी दे दिया कि कौन सी टॉप विलास की कम्युनिटी है पूरे गुड़गांव के अंदर। तो आप इन पूरी की पूरी किसी भी कम्युनिटी में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, और बहुत सारे ऑलरेडी यूनिट्स मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है किसी कम्युनिटी के अंदर, तो आई डोंट नो आप कॉल कब कर रहे हो। तो जिस टाइम आप कॉल कर रहे हो उस टाइम पे हमारे पास जो भी बेस्ट पॉसिबल इन्वेंट्रीज होगी विलास की, तो वो हम आपको रिकमेंड करेंगे, सजेस्ट करेंगे। तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो इन दिए हुए नंबर पे, सो दैट हमारी जो टीम है वो आपकी हेल्प कर सके एक बेस्ट विला लेने के लिए। सो आई एम श्योर आपको अगर विला लेने में अगर अभी तक कन्फ्यूजन था, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो कन्फ्यूजन है उससे आप क्लैरिटी की तरफ गए हुए होगे। तो जाते जाते मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इनकेस अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, बेल आइकन हिट कर दीजिए, सो दैट आपको इस टाइप के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहें। और आप हमारे चैनल पर देख सकते हो बहुत सारे हमने वीडियोस बनाए हुए हैं आप जैसे लोगों की हेल्प करने के लिए। तो अगर हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए लाखों करोड़ रुपए का लॉस कर दिया आपने। सो मेक श्योर आप कोई भी वीडियो हमारे चैनल पर मिस मत कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज लाइक कर दीजिए। इनकेस अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वंस अगेन फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूं अभी आपको किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।